अनुच्छेद 370 हटने के बाद सुरक्षित भारत की कल्पना के लिए शहर के साइकिलिस्ट नीरज याग्निक ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक से अपनी साइकिल यात्रा का सफर शुरू किया है। इससे पहले याग्निक ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की। याग्निक ने बताया कि राज्यपाल से मुलाकात अविस्मरणीय रही। उनकी ये यात्रा कन्याकुमारी पर पूरी होगी। उन्होंने कहा कि इससे पूरा देश एकाकार होगा। यात्रा शुरू करने के पहले याग्निक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से मिले। यात्रा शुरू करने से पहले याग्निक ने कहा कि आज की तारीख में श्रीनगर सबसे संवेदनशील है। वहाँ के रहवासी टूरिस्ट को बेहद खास मानते हैं। जब बात तिरंगे की आती है तो पूरा देश एक हो जाता है। वहीं श्रीनगर के लाल चौक पर सुबह 5 बजे साइकिलिस्ट नीरज याग्निक पहुंचे और वो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करेंगे और श्रीनगर से कन्याकुमारी तक साइकिल से जाएंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।